हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स, द बेस्ट प्रेगनेंसी सेंट्रिक चैनल। दोस्तों, लगभग 14 वर्षों के बाद 2019 में लगभग 5 ग्रहण लग रहे हैं और साल के पहले महीने जनवरी में ही 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहणों के प्रभाव से ब्रह्मांड व प्रकृति में कई बदलाव आते हैं। ये खगोलीय घटनाएं हिंदू व वैदिक ज्योतिष में खास महत्व रखती हैं। और अगर आप इस दौरान गर्भवती हैं, तो आपको कुछ विशेष सावधानियों की जरूरत होती है। तो चलिए इन ग्रहणों के बारे में बात करते हैं कि कब कब ये ग्रहण लग रहे हैं और इनकी क्या टाइमिंग्स हैं। तो वीडियो को जरूर देखिए एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए। हिंदू धर्म में ग्रहणों का खास महत्व होता है, इसको लेकर कई तरह की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं। और जब बात प्रेगनेंसी के दौरान ग्रहण लगने की हो, तो गर्भवती को संभल कर रहने की जरूरत होती है। दोस्तों, 2019 में लगभग 5 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें 3 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। तो मैं आपको डेट्स और टाइम बता देती हूँ, आप इन्हें नोट कर लें कि कब और कितने बजे ये ग्रहण लगने वाले हैं। तो 2019 में जो सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं, उसमें पहला सूर्य ग्रहण 6 जनवरी को लगेगा और ये प्रातः 4:05 से स्टार्ट होके प्रातः 9:18 तक रहने वाला है। दूसरा सूर्य ग्रहण 2 जुलाई को रात के समय 11:31 से शुरू होकर मध्य रात्रि 2:17 तक रहने वाला है। और तीसरे ग्रहण की बात करें तो 26 दिसंबर को ये ग्रहण लगेगा, ये प्रातः 8:17 से प्रातः 10:57 तक रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। तो 2 चंद्र ग्रहण 2019 में लगने वाले हैं, जिसमें पहला ग्रहण 21 जनवरी को लगने वाला है, ये प्रातः 9:03 से शुरू होकर दोपहर में 12:20 तक रहेगा। और इसी तरीके से 16 जुलाई को भी एक चंद्र ग्रहण लगेगा, जो दोपहर 1:31 से शुरू होकर शाम को 4:40 तक रहने वाला है। दोस्तों, मैंने पहले भी अपने वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी दी है कि गर्भावस्था के दौरान ग्रहण पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। चाकू छुरी का काम किचन में नहीं करना चाहिए, नग्न आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए और ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये सारी जानकारी कि ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां और इसके उपाय भी मैंने पहले वीडियोस में बताए हैं। तो आप राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर शो हो रहे आई बटन पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। दोस्तों, इस दौरान आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्त्रोत और शिव पंचाक्षर का पाठ करना चाहिए, इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। और इस दौरान आपको देव प्रतिमा, तुलसी और शमी का स्पर्श नहीं करना है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति में सफेद फूल और चंदन से चंद्रमा और भगवान शिव की आराधना करें। दुर्गा सप्तमी का पाठ भी जरूर करें और गंगा जल में इत्र मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे धन लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति हो। एक और जरूरी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद बेबी की केयर कैसे करें, इसके लिए हमारे बेबी केयर सेंट्रिक चैनल मॉम इन इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के दौरान ग्रहण को लेकर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।